सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। राजपुरा नगर कौंसिल के वार्ड नंबर 26 के अधीन पड़ते एरिया पुराना कचहरी को जाती सड़क के किनारे बीते 6 महीनों से सीवरेज जाम होने के कारण सड़क पर घूम रहे गंदे पानी की समस्या को हल करवाने के लिए राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के सपुत्र मेंबर पीपीसीसी सरदार निर्भय सिंह मिल्टी कंबोज नगर कौंसिल के उप प्रधान अमनदीप सिंह नागी व उक्त वार्ड के पार्षद संजीव बंसल की तरफ से उक्त वार्ड का दौरा किया गया और जेसीबी मशीन के साथ नई सीवरेज लाइन डलवाने का शुरू करवाने के लिए खुदाई शुरू करवाई गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए मेंबर पीपीसीसी निर्भय सिंह मिल्टी कंबोज व नगर कौंसिल के उप प्रधान अमनदीप सिंह नागी ने बताया कि ओवर ब्रिज के नजदीक पुरानी कचहरी को जाती सड़क के किनारे पिछले 6 महीनों से सीवरेज पाइपलाइन जाम होने के कारण गंदा पानी सड़क पर घूम रहा था, जिस कारण यहां रहने वाले व राहगीरों को वहां से आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था व दर्जनों ही दुकानदारों को सीवरेज के गंदे बदबूदार पानी के कारण किसी भी समय भयंकर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ था, जिस पर आज वार्ड नंबर 26 के पार्षद संजीव बंसल व दुकानदारों की तरफ से यह सारा मामला विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के ध्यान में लाया गया, जिस पर सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने विभाग को तुरंत उक्त समस्या को हल करवाने के आदेश दिए, जिस पर विभाग द्वारा जेसीबी मशीन मंगवाकर नई सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए आज उक्त काम की शुरुआत की गई। इस मौके पर वहां मौजूद दुकानदारों व सीवरेज बोर्ड के एसडीओ जुगल किशोर ने भी न्यूज 89 के साथ उक्त मामले संबंधी बात की। असी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, साढ़े काउंसलर साहब संजीव बंसल जी इन्हों का यह वार्ड आ, इन्हों को इलाका निवासियों ने शिकायत की भी इदा करके साढ़े पानी की बहुत ज़्यादा सब दिक्कत आ रही है, ये कुछ तो इतने शुगर बस्ती अफेक्टेड सी, डालिमा काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्टेड सी, साढ़े को जो कंप्लेट आई तो नाल म्युनसिपल कमेटी एम एल ए साहब ने सरदयाल सिंह ने हदायत करी, उन्होंने अपने लैवल से नगर कौंसल के मुलाजमान ने पुरजोर कोशिश की इनू साफ करके लाइन चला, पर जो मशीन उन्होंने जो इतने मशीन मशून ला के देखा तो यह लाइन टुटी हुई सी, इस कारण तुरंत एक्शन लेंदे हुए एम सी साहब के कहने मुताबिक और एम एल ए साहब ने तुरंत एक्शन लिया और नाल दी नाल ही सीवरेज बोर्ड को हदायत करी और टेंडर ला के अब यह काम शुरू करा जा रहे हैं, जो और मैंने जो लगता है विदिन 2 डेज आई थिंक ये लाइन क्लीयर करके जरा अफेक्टेड जो साढ़े इलाके के लोग से बल्कि सारा सैट हो जाए। प्रॉब्लम तो 6 महीने पहले चल रही थी, 2-2.5 महीने लग गए पहले साफ सूफ करके चलाते रहे, बाद बिल्कुल चोक हो गई, लाइन टुटी भी सी, एम एल ए साहब ने दसिया उन्होंने नाल दी नाल एक्शन लेंदे हुए सीवरेज बोर्ड के एस टी ओ साहब एक्शन साहब न बुला के इतने मौका दिखा के एस्टीमेट वगैरह बनवा के हम कमेटी तो जोड़ा पैसा सारा कमेटी लगा रही है, कमेटी के फंड उन्होंने स्पैशल ग्रांट पैसों की दे के ये काम शुरू करा रहे हैं। अच्छ असी कुछ दिन पहला अपने एम एल ए साहब को गए थे जी, उत्थे सानू कंबोज साहब मिले, उन्होंने बेटे मिट्टी जी मिले, इन्होंने बड़ा रिस्पोंस दिता, उदो इन्होंने मतलब अपना जद ही एस्टीमेट वगैरह ना कराया, हूँ सानू बड़ा मतलब खुशी हुई है अज इतने काम शुरू होया, तो इन्होंने सानू भरोसा दिता भी 2 दिन से काम हो जाएगा, तो साड़ी ये जी ए स्मैल वगैरह आ रही है तो गंदगी फैल रही है दूर हो, यदा एस्टीमेट 6.7 लाख का बनाया गया, एम एल ए साहब के कहने असी एस्टीमेट भेजा कमेटी का, एम एल ए साहब तो ही उन्होंने मतलब एम एल ए साहब ने सानू आपके पैसे दवाए कमेटी तो हूँ आपका टेंडर लग चुके तो हूँ काम अच्छे स्टार्ट होया, जो अभी देखा कि आ रीच के केबलों ने केबलों करके आप पाइप डैमेज हो गया जिस करके पानी अगे नहीं जा रहा, जो पानी की मदद जो आप सारा पानी निकास हो। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।